स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है मछुआरा और समय। एक बार एक मछुआरा हुआ करता था। वह भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह जल्दी सुबह पूजा पाठ करके अंधेरे में ही समुद्र किनारे जाकर जाल बिछा देता तथा मछलियाँ पकड़ के अपनी जीविका चलाता। सभी चीज़ समय पर चल रही थी। उसकी भक्ति को देख माता पार्वती ने उसे उपहार देने की सोची। उसमें अनगिनत हीरे और कीमती पत्थर थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, यह मत करो, यह सही नहीं, समय के साथ चलो। परंतु माता नहीं मानी और जिद कर ली। माता की जिद के सामने भोलेनाथ हार गए। अगली सुबह जब अंधेरे में मछुआरा समुद्र किनारे पहुंचा, तो वह जहां बैठकर रोशनी का इंतजार कर रहा था, उसी जगह पर एक उसे पोटली दिखाई दी। उसने उसमें हाथ डाला तो उसमें पत्थर जैसा कुछ महसूस हुआ। उसने सोचा, बच्चों ने समुद्री पत्थर भर रखे होंगे। वह एक एक पत्थर को निकालता और समुद्र में फेंकता तथा अपना समय बिताने लग गया। उसने अपने आखिरी पत्थर को फेंक दिया, तभी रोशनी होने लगी और वह थैला वहीं छोड़ करके समुद्र में मछलियां पकड़ने चला गया। उस थैले में भगवान ने हीरे और कीमती पत्थर भर के दिए थे, जो वह नहीं ले पाया। माता ने कहा, यह न्याय नहीं हुआ, आपने अंधेरे में यह पत्थर रखे थे, इसे कुछ और दीजिए। फिर हट के कारण प्रभु मान गए। मछुआरे ने आज बहुत सारी मछलियां पकड़ी तथा प्रसन्न होकर घर की तरफ जा रहा था। तब भगवान ने सड़क पर एक थैला रख दिया। मछुआरा भगवान का स्मरण करते हुए जा रहा था, तभी उसने सोचा कि भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझे आंखें दी, मगर बिना आंख वाला भी सारे काम कर सकता है, क्यों ना मैं आंख बंद करके चलकर देखूं कैसा महसूस होता है। वह आंख बंद करके चलने लगा और वह थैले के नज़दीक से आंख बंद करके निकल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम जिसके लायक बन जाएंगे वह हमें मिल जाएगा, चाहे ज्ञान चाहे संपत्ति। पहली बार समय का दुरुपयोग करने पर चीज़ें हाथ से गई और दूसरी बार मौका मिलने पर अनदेखा करने से। इसीलिए सचेत रहें तथा समय का सदुपयोग करें। पता नहीं सफलता कब दस्तक दे दे। धन्यवाद।